दोस्तों, पेट के प्रॉब्लम है तो ये पांच बीमारी से आप अपने को बचा लो, क्योंकि आजकल जो बीमारी चल रही है वो बहुत ही भयानक चल रही है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, गुड़ किस मौसम में खाने से पेट साफ रहता है और किस मौसम में खाने से बीमारी हो जाती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है जाड़े के मौसम में खाने से गुड़ किडनी के साथ फेफड़ा भी साफ हो जाती है और सुंदर हो जाती है हमेशा के लिए, और गर्मी के मौसम में खाने से बहुत बीमारी पैदा होती है। सवाल नंबर दो, घी किसको खाने से लकवा मार देता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि आप तक जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है जिस आदमी के शरीर में ज्यादा गर्मी लगती हो उसको नमक और घी या दूध की छाली गर्मी के मौसम में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो लकवा या फालिस तुरंत मार सकता है। सवाल नंबर तीन, जर्सी गाय का दूध खाने से किस अंग में फलेरिया की बीमारी हो जाती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर देना। दोस्तों, इसका सही आंसर है जर्सी गाय का दूध खाने से दो बीमारी होती है, बायां अंग में फलेरिया की बीमारी होती है और बायां अंग में फालिस भी मार सकती है। इसलिए दोस्तों, जर्सी गाय का दूध जो है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कभी भी अगर दूध खाना है तो देसी गाय का दूध खाएं दोस्तों। सवाल नंबर चार, किस घर के परिवार के लोगों को लकवा या फालिस की बीमारी हो जाती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है जिस घर में सब्जी में लहसुन नहीं लोग डालकर खाते हैं उन परिवार के लोगों को ही लकवा मारने का संभावना बना रहता है। दोस्तों, महंगाई के हिसाब से लोग सोचते हैं कि लहसुन न खरीदें, इसीलिए दोस्तों लकवा की फालिस की बीमारी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, सब्जी में जो है वो दो चार कली लहसुन जो है हर मौसम में और प्याज दो चीज जरूर डालना चाहिए। सवाल नंबर पाँच, सुबह जिनको दो या तीन बार लेटिंग लगता हो उनको ज्यादा क्या खाना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है जिन लोगों को सुबह में दो तीन बार लेटिंग लगती है हर मौसम में यानी गर्मी के मौसम में, तो दोस्तों उनको भात खूब खाना चाहिए और हफ्ता में दो तीन बार खिचड़ी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि वो जो बीमारी होती है वो लीवर के कमजोर के कारण होती है। इसीलिए दोस्तों, भात या खिचड़ी खूब खाएं। गर्मी के मौसम में रोटी जो है वो बहुत ही कम खाएं, और दोस्तों पेट खराब हो जाए कभी भी तो एक चम्मच चीनी जरूर खा लें, तुरंत ठीक हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा।